हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और ये जो व्लॉग है ना, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पुराना और सबसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरीज है मेरी, वो घर दिखाने वाली हूँ। पुराना घर जब बचपन में यहाँ पे हम लोग रहते थे, वो वाला घर। क्या आप एक्साइटेड हो देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एंट्रेंस, जैसे कि वैसे पूरा पहले होते थे वैसे के वैसे है, पर यहाँ पे एक इस साइड में ना एक पेड़ का, आम का पेड़ हुआ करता था, वो अभी अभी काट दिया गया है। और ये देखो, ये पेड़ भी वैसा ही है, जो जैकफ्रूट का पेड़ है ना, वो वैसा का वैसा ही है। और ये जो इस साइड में दिख रहा है जो है ना, कैशू का साइड है, मतलब यहाँ पे सारे कैशू फ्रूट्स भी रखते हैं, उसका प्रोसेस होता है, वो कभी मैं आपको सेपरेट वीडियो करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखा है, पर यहाँ पे बेसिकली कैशू का स्टोरूम है। तो ये रहा, गाड़ी पार्किंग करी हुई ही है। और ये देखो, अपना मुंह छिपा रहा है, मेरा कज़न है। और इसी के साथ ये रहा घर का एंट्रेंस, ये देखो पीछे से। और तो ये पूरा स्टोर रूम है। यहाँ पे एक्चुअली ना मेरे ग्रैंडफादर सोते थे, और अभी यहाँ पे स्टोर रूम करके रखा है पूरा। पौधा दिखाया था ना, वो इसी भगवान का है, मल्लिकार्जुन। जब मेरे ग्रैंडफादर थे ना, तो ये इसी की पूजा करते, तो तब से यहीं पे रखा हुआ है। वहाँ से आगे जाने के बाद अंदर एक रूम है, यहाँ पे अभी लाइट नहीं, मैं लाइट ऑन कर देती, तो लाइट नहीं चल रही, इसलिए मैंने फोकस ऑन किया है। तो ये था रूम, और यहाँ पे ना एक शोकेस हुआ करता था, वो अभी हम लोग नीचे लेके गए हैं। यहाँ पे ना सब कुछ रखा होता था, साबुन वगैरह वगैरह। और यहाँ पे एक बेड हुआ करता था, तो वो बेड भी नीचे रखा हुआ है। इस रूम से आने के बाद, यहाँ पे किचन है, जो कि अभी फुल फ्लैश नहीं है, मतलब यहाँ से वो उस घर में शिफ्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे किचन था, और से बाहर एक रूम था, जो अभी मैं ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम है। तो पहले ना जब घर बनाया, तो ये वाला नहीं था रूम, तो बाद में एक्सटेंड किया ये रूम। और जब मैं छोटी थी ना, बेड हुआ करता था, और हम लोग यहीं पे इस जगह पे बैठ के ना पढ़ते थे। ये भी एक रूम है, तो ये भी रूम भी बाद में बनाया गया था। तो हम लोग इस रूम में सोया करते थे, पे एक बेड था और वहाँ पे एक बेड था, उस बेड पे मैं सोती थी। यहाँ पे बेड था, तो कोई भी सोता था। और यहाँ से पैसेज, यहाँ से भी एक दरवाज़ा है जो बाहर निकलता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, पत्थर हुआ करता था, जो हम लोग जिसपे कपड़े वगैरह धोते थे। इस घर में ना पहले जब स्टार्टिंग बनाया था, तो लाइट नहीं थी, तो हम लोग जो मैंने बताया था ना, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते, वहाँ पे चिमनी यानी कि लैंप लगा के पढ़ाई करते थे। और फिर लाइट आने के बाद, तो हम लोग इस रूम में ये रूम भी बनाया, और यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते थे। बिना एक टेबल हुआ करता था, यहाँ पे सारे बुक्स होते थे हमारे। बुक्स ना मैं बेड पे लगती थी, क्योंकि मैं बुक्स के साथ सोना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे अलग सी वाइब आती है बुक्स के साथ सोने में। तो ये जो बेड दिख रही है ना आपको, ये बेड ना हम लोगों ने यहीं पे रखी है ना, ग्रैंडफादर की हुआ करती थी, उस रूम में थी, जो मैंने पहले वाला रूम दिया दिखाया ना, उस रूम में हुआ करती थी। पर अभी मेरे ग्रैंडफादर नहीं रहे, तो इसीलिए ये बेड यहीं पे हैं, बाकी से बेड्स ना उस घर पे शिफ्ट किए हुए हैं। तो इस घर से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है। ये ना रेनोवेटेड घर है, उससे पहले हमारा घर हुआ करता था, उसमें जो ग्रैंडफादर का रूम और मिडल का रूम, जो मेरे पीछे है वो रूम, और जो नैना, वो एक ही रूम हुआ करता था। फिर जब मैं फिफ्थ में थी तब हम लोगों ने ये रेनोवेट किया था, वो ये रेनोवेटेड घर है। फिर ये घर होने के बाद पापा ने अपने लिए वो घर बनाया था, जो अभी हम लोग अभी रहते हैं। ये रूम घर पूरा अभी स्टोर रूम बना के रखा है। अभी आपको कुछ मेमोरीज बताती हूँ इस घर का। ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड फादर भी थे,
जब मैं 11th में थी तो मेरी ग्रैंडमदर चल बसी थी, और जब मैं डीएड कर रही थी तब मेरे ग्रैंडफादर गए थे। एक्चुअली मैं घर में ज़्यादातर नहीं रही हूँ, मैं पढ़ाई के लिए बाहर ही रह रही हूँ। मुझे याद होनी चाहिए, उतनी मेमोरीज है मेरे पास पर उतनी नहीं है, क्योंकि पाँचवीं क्लास से मैं फिफ्थ क्लास से ही मैं बाहर रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो हम लोग इसी घर में ना पले बड़े हैं। तो ये था मेरा बचपन का घर। और तो और एक मुझे जो मैंने मैंगो वाला पेड़ दिखाया था ना आपको, उस पेड़ पे ना बहुत ज़्यादा आम लगते हैं और बहुत मीठे होते हैं आम। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे गए थे और बहुत ऊपर बहुत ज़्यादा आम लग किसी भी हालत में निकालने थे, इसलिए हम लोग ऊपर चढ़ गए। तो ऊपर चढ़ने के बाद ना ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग वहाँ से नीचे गिर गए। तो वो एक इंसिडेंट, जब भी हम लोग बचपन में थे ना तो हम लोग भाग के वहाँ पे चले जाते थे ताकि हम लोग कलेक्ट कर सकते ना, कोई जो आता जाता रहता है ना वो आम लेके जाता है। तो फिर हम लोग सुबह एक बार, स्कूल से आने के बाद एक बार, और ऐसे करके हम लोग कलेक्ट कर देते। और उसको जो पका हुआ आम है ना, उसको अगर आपने बॉईल किया तो भी बहुत टेस्टी लगता है। जो मेरा फर्स्ट टू फोर्थ वाला स्कूल है ना, तो यहाँ से वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो मैं क्या करती थी बचपन में, पहले ब्रेक से पहले जो भी बुक्स है ना वो लेके जाती थी स्कूल में, भाग के घर आती थी। तब तक मेरी जो मदर है ना वो मेरे लिए कुछ खाना रखती थी, जल्दी जल्दी से खा जा आती थी और वो फिर स्कूल में चली जाती थी। आके जो रिसेस के बाद जो टाइम टेबल है ना उसके बुक्स लेके जाती थी, पर सुबह में वो सेपरेट करके रखती थी पहले वाले टाइम टेबल, पहले रिसेस के पहले का टाइम टेबल और रिसेस के बाद का टाइम टेबल करके। जब हम लोग यहाँ पे सेटल हुए थे ना तो यहाँ पे किसी का भी घर नहीं था, अभी यहाँ पे पूरा एक वॉडी बन गया है। को आज मेरी बचपन के घर का टूर दिखाया, तो आई होप आपको मेरे बारे में और थोड़ा समझ आया होगा। आई होप आपको मेरा चाइल्डहुड का घर दिखा होगा और मैंने कुछ मेमोरीज मेरे रिवाइव कर ली है। तो खूब थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपकी वजह से मैंने ये घर रिकॉर्ड किया। और ये घर हमेशा मेरे साथ मेरे यादों में रहेगा अभी, और वो भी रिकॉर्ड करके। सो थैंक यू सो मच, दिल से फिर से थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं ये मेरा चालू होम का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।